हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टील। तो आज हम लोग जानेंगे स्टील क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में आज हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने यहाँ पे जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका बहुत सारा टॉपिक जो है कवर किया है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले जानेंगे स्टील क्या होता है, ठीक है। देखिए स्टील आपका ये क्या है, ये आपका शुद्ध लोहा है, यह एक क्या है आपका शुद्ध लोहा है, ठीक है। जिसमें क्या होता है आपका कार्बन जो है वो आपका घटित अधिक होता है, ठीक है। कार्बन मतलब क्या है, इसमें मिश्रित रहता है, ठीक है। लोहे के साथ इसमें कार्बन को मिलाया जाता है और कार्बन की कठोर अधिकता के कारण ही ये क्या होता है आपका सरल होता है और कठोर होता है, ठीक है। याद रखिए कि इसमें कार्बन का जो परसेंटेज इसमें होता है वो आपका 0.15 से लेके 1.5% तक इसमें कार्बन जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। स्टील आपका क्या है, ये आपका मिश्रण है लोहा और आपका कार्बन, और भी बहुत सारे इसमें जो है अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सारा चीज़ भी इसमें जो अवेलेबल रहता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को इसमें याद क्या रखना है, तो स्टील के में आपको पूछा जाएगा कार्बन का परसेंटेज, ठीक है। तो जो आपको 0.15 से लेके क्या है 1.5% तक इसमें कार्बन है, और इसमें यदि अशुद्धि के तौर पे पूछा जाए तो सल्फर फास्फोरस ये सारे चीज़ मिले रहते हैं, ठीक है। और ये क्या आपका कार्बन अधिकता के कारण ये कठोर होता है, याद रखिएगा, इसमें कार्बन की मौजूदगी के कारण क्या होता है ये कठोर होता है, ठीक है। जिसके वजह से इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्टील का, आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत सारे जगह पर स्टील का जो यूज़ होता है, ठीक है। निश्चित तापमान पर गर्म करने पर, तेल या पानी में ठंडा करने पर यह क्या होता है कठोर एवं टेम्पर हो जाता है, ठीक है। टेम्पर्ड स्टील का यूज़ किया जाता है बहुत जगह पे, तो उसको टेम्पर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको एक निश्चित तापमान पर गर्म करके उसको तेल या पानी में ठंडा करने पे क्या होता है वो कठोर एवं टेम्पर्ड हो जाता है आपका स्टील, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे स्टील जो होता है वो कितने विधि से यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कुछ विधि जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट विधि वो सारा यहाँ पे दिया गया आपका मेथड जिसके थ्रू कि आपका स्टील जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका सीमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है, सबसे पहला कि आपका सीमेंटेशन प्रोसेस याद रखिएगा। दूसरा नंबर आपका क्रूसिबल मेथड्स है, ठीक है। थर्ड नंबर आपका जो बेसमर प्रक्रिया है, और फोर्थ नंबर आपका खुला चूल्हा प्रक्रिया है आपका, और फिफ्थ नंबर जो है इलेक्ट्रो थर्मो प्रक्रिया, ठीक है, और सिक्स नंबर सबसे लास्ट जो आपका उच्च आवृत्ति प्रक्रिया, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोसेस। तो ये सारे मेथड के थ्रू जो यहाँ पे स्टील जो वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो सबसे पहले फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, सीमेंटेशन प्रोसेस है आपका, उसके सेकेंड नंबर आपका जो क्रूसिबल प्रोसेस है, थर्ड नंबर आपका बेसमर प्रक्रिया है, और चौथा नंबर आपका ओपन चूल्हा प्रक्रिया है आपका, ठीक है, और फिफ्थ नंबर जो है इलेक्ट्रो थर्मो प्रोसेस है, और सिक्स नंबर आपका हाई फ्रीक्वेंसी प्रोसेस, ठीक है। तो इन सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से यहाँ पे स्टील जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में, कितने तरह के जो मेन स्टील है हमारा वो यहाँ पे हमको जो है पाए जाते हैं मेन स्टील, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो तरह के जो आपको मुख्यतः दो तरह के स्टील जो वो पाए जाते हैं। तो फर्स्ट वन आपका क्या है, प्लेन स्टील है, दूसरा आपका क्या, एलॉय स्टील है, ठीक है। तो प्लेन स्टील को सादा स्टील भी बोलते हैं आपका, और एलॉय स्टील मीन्स क्या हुआ आपका, मिश्रित धातु स्टील, ठीक है। मतलब क्या, इसमें मिश्रण रहेगा, बहुत सारे धातु को मिला के इसमें बनाया जाएगा, ठीक है। और प्लेन में सिर्फ आपका आयरन और कार्बन मुख्य मात्रा में जो है पाया जाएगा, आयरन और कार्बन, ठीक है, हाँ। उसके सफ़ेद स्टील यदि देखें तो इसमें देखिए कार्बन और लोहा मिले होते हैं, ठीक है, और इसके आधार पर इसमें प्रतिशत के तहत सादे स्टील को जो तीन भागों में बांटा गया, ठीक है, कार्बन परसेंटेज के आधार पर जो है यहाँ पे स्टील को क्या किया गया आपको, प्लेन स्टील को तीन भागों में बांटा गया, ठीक है। तो पहले याद रखिए प्लेन स्टील जो होता है इसमें आपका क्या क्या पाया जाता है, इसमें आपका लोहा रहता है और कार्बन रहता है, ठीक है, और कार्बन के उपस्थिति के कारण इसे तीन भागों में बांटा गया, डिफरेंट डिफरेंट, तो जानेंगे तीनों भाग के बारे में यहाँ पे। तो सबसे पहला देखिए आपका जो है क्या है, निम्न कार्बन स्टील, जिसको बोलते हैं लो कार्बन स्टील, इसका नाम से ही पता चल रहा है इसमें कार्बन का जो मात्रा रहेगा वो क्या होगा, कम रहेगा, लो कार्बन है क्योंकि निम्न है, ठीक है, कार्बन मतलब इसमें कम रहेगा, और आपका मध्यम में क्या रहता है, मीडियम कार्बन स्टील में आपका थोड़ा उससे ज़्यादा रहेगा, और हाई कार्बन स्टील में उससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरह से इसको प्लेन स्टील को आपका बांटा गया, सादा स्टील को, निम्न कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील और उच्च कार्बन स्टील, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानेंगे हम लोग जो आपका निम्न कार्बन स्टील है वो क्या होता है, देखिए लो कार्बन स्टील जिसको बोलते हैं, ठीक है, इससे ये क्या होता है आपका हल्का स्टील इसको कहते हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हल्का स्टील होता है। इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है उसको याद रखिएगा, 0.15% से लेके आपका 0.25% तक इसमें कार्बन जो है वो पाई जाती है, ठीक है, निम्न कार्बन स्टील में आपको 0.15 से लेके 0.25 तक, ठीक है। और देखिए कार्बन की कम मात्रा के कारण ये क्या होता है, पर्याप्त जो होता है नरम होता है, और तनाव में
ये जो है बर्दाश्त करता है, और तनाव भी जो होता है ये क्या बर्दाश्त करता है, जिसके वजह से ये नरम भी होता है और तनाव भी क्या होता है बर्दाश्त करता है। आपको पहले ही मैंने बताया था यदि कार्बन ज़्यादा पाया जाएगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा कठोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की मात्रा जो थोड़ी कम है तो जिसके वजह से ये नरम होता है और इसको जो है यहाँ पे तनाव भी बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका फर्जिंग और रोलिंग के द्वारा विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। आप लोगों को पता होगा फर्जिंग और रोलिंग प्रोसेस, तो इसको जब हम लोग गला के या फिर इसको जो है किसी चीज़ से दबा के, रोलिंग में क्या होता है दो रोलर के बीच में इसको दबाया जाता है, ठीक है। और पतला पतला जो आप लोग सीट सब बनाया जाता है उसका, इसको लिए इसको यूज़ किया जाता है। फर्जिंग और रोलिंग इसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। इसका अधिक कठोर एवं सख्त नहीं होता है, ठीक है। इसे सामान्य विधि द्वारा कठोर एवं टेम्पर नहीं किया जा सकता है, याद रखिए कि इसको सामान्य विधि द्वारा कठोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ जो होता है आपका लो कार्बन स्टील का, वो नट हो गया, वोल्ट हो गया, रिवेट सीट हो गया, वायर हो गया, टी लोहा हो गया और कोन लोहा आदि के निर्माण में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो यूज़ याद रखिएगा। इसमें मेन मेन जो पॉइंट लो कार्बन स्टील में मैं फिर से बता देता हूँ, इसको हल्का स्टील आपका बोला जाता है और इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो आपके 0.15 से लेके 0.25 तक होते, सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपका, ठीक है। और इसमें कार्बन कम होने की वजह से ये आपका नरम होता है और जो है यह इसको ताना जा सकता है, आप लोग खींच सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको फर्जिंग और रोलिंग के थ्रू जो है इसका डिफरेंट डिफरेंट शेप में जो है मटेरियल इसका बनाया जाता है, ठीक है। ये अधिक कठोर नहीं होता, सख्त नहीं होता, ठीक है। और सामान्य विधि द्वारा इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। अब इसका यूज़ देखें तो नट बोल्ट हो गया, रिवेट हो गया, शाफ्ट हो गया आपका, उसके बाद वायर हो गया, टी लोहा हो गया, कौन लोहा, ये सारे बनाने में इसके यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट जो था टाइप वो था मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। मीडियम कार्बन स्टील में यदि हम लोग कार्बन परसेंटेज की बात करें तो लो कार्बन स्टील से ज़्यादा होता है आपका 0.25 से लेकर 0.5% तक इसमें जो होता है आपका क्या होता है कार्बन पाया जाता है, ठीक है। कार्बन की अधिकता के कारण ये क्या होता है आपका हल्के स्टील से मुकाबले अधिक कठोर एवं सख्त होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। इसमें उसके बाद देखिए इसकी मजबूती भी क्या होती है अधिक होती है, ज़्यादा कार्बन रहने से ज़्यादा कठोर है, इसके वजह से ये ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। इसको टेम्पर एंड हॉर्निंग में प्रयुक्त होता है, जिसका क्या चीज़ में यूज करते हैं हम लोग टेम्परिंग और हॉर्निंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको फर्ज और रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए तन्य, इसका जो यूज़ है आपका तन्य ट्यूब हो गया, वायर हो गया, कृषि उपकरण हो गया, जोड़ों के रॉड हो गया, कम शाफ्ट हो गया, स्पिनर हो गया, उसके बाद चरखी आदि बनाने में इसका क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ याद रखिएगा और मेन जो इसका जो है कार्बन परसेंटेज आपको क्या करना है याद करना, और ये ज़्यादा कठोर होता है, याद रखना इसको लो कार्बन स्टील से, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग स्टील की बात करें तो नेक्स्ट स्टील जो आपका वो क्या है उच्च कार्बन स्टील। उच्च कार्बन स्टील मीन्स क्या आपका हाई कार्बन स्टील इसको बोला जाता है HCS, ठीक है। इसमें देखिए कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो आपको 0.5 से लेके 1.5 तक होता है, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बोला था स्टील में जो कार्बन पाए जाते हैं वो 0.15 से लेके आपका 1.5 तक पाया जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट आपका उच्च कार्बन इसमें 0.5 से लेके 0.15 तक पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है सबसे ज़्यादा कठोर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, इसके वजह से ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है आपका, ठीक है। नरम इसको गर्म करने पर कठोर बनाया जा सकता है, इसे कास्ट या रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको कास्टिंग या फिर रोलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है, इसकी वजह से इसका जो पतला पतला सीट में इसको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। यह बहुत ही कठोर एवं सख्त होता है। यह अस्थायी चुंबक गुण अधिग्रहण करता है, ठीक है। अस्थायी चुंबक गुण इसमें पाया जाता है, ठीक है। यह नुकीले उपकरण हो गया आपका, स्प्रिंग हो गया, उसके बाद आपका डाई पंप हो गया, फाइलें हो गया आपका, उसका ठंडा छेनी जो होता है आपका कोल्ड छेनी चीजल जो होता है उसके लिए प्रेस डाई आदि बनाने, प्रेशर डाई वगैरह इसका बनाने के लिए जो है आपका हाई कार्बन स्टील का यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखना आपको इसका यूज़। चलिए अब नेक्स्ट, अब जो टाइप था वो था आपका मिश्रित एलॉय, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या मिश्रित स्टील और एलॉय स्टील, ठीक है। तो पहला जो था आपका क्या था, तो पहला था आपका प्लेन और दूसरा था एलॉय स्टील। प्लेन स्टील के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे थ्री टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के प्लेन स्टील पढ़ा, लो कार्बन स्टील आपका, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मिश्रित एलॉय, जिसको बोलते हैं क्या आपका मिश्रित स्टील, सॉरी मिश्रित एलॉय स्टील या फिर मिश्रित स्टील। देखिए मिश्रित स्टील जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिस स्टील को अन्य धातु जैसे आपका क्या वेनेलियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, टंगस्टन आदि के साथ मिलाया जाता है उसे मिश्रित स्टील कहते हैं, ठीक है। मिश्रित मीन्स क्या है, इसमें अदर धातु भी आपके पाए जाएंगे। तो कौन कौन से धातु इसमें मिलाएंगे, वेनेलियम हो गया आपका, वेनेडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टंगस्टन हो गया, इन सारे धातुओं के साथ इसको मिलाया जाता है, ठीक है। अब मिश्रित स्टील के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए मिश्रित स्टील को जो है इसको भी यहाँ पे दो टाइप में बांटा गया, एक निम्न एलॉय स्टील है आपका, एक उच्च आपका हाई एलॉय स्टील है, ठीक है।
पहले देखते हैं निम्न एलॉय स्टील आपका क्या है। तो निम्न एलॉय स्टील देखिए, कार्बन के अलावे इसमें अन्य धातुएं कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। कार्बन के अलावे जो इसमें अन्य धातुएं क्या होती, कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको निम्न मिश्रित धातु बोलते हैं। इसकी तन्यता शक्ति अधिक होती है, इसमें वेल्डिंग हो सकता है या कठोर एवं टेम्पर भी होता है, और इसका प्रयोग हवाई जहाज में एवं कैम शाफ्ट के भिन्न अंगों के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग आपका हवाई जहाज और कैम शाफ्ट में विभिन्न अंगों के लिए किया जाता है बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाई एलॉय स्टील, ठीक है। तो हाई एलॉय स्टील क्या होता है, कार्बन के अलावा इसमें धातुओं की मात्रा निम्न मिश्रित स्टील से मुकाबले अधिक होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, कार्बन तो जो है आपका वो तो एक स्टील में पाया ही जाता है, कार्बन और लोहा। उसके अलावा इसमें जो अन्य तत्व होता है, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया आपको, वेनेडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सारा जो है आपका लो कार्बन लो मिश्रित स्टील से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसलिए इसको हाई एलॉय स्टील बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स के उच्च गति स्टील आपका यहाँ पे, जैसे हाई स्पीड स्टील आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको शॉर्ट में HSS भी लिखा जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसे उच्च टंगस्टन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में आपका टंगस्टन, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में जो है टंगस्टन पाया जाता है, जिसके कारण इसको उच्च टंगस्टन भी कहा जाता है, ठीक है। हाई स्पीड स्टील को टंगस्टन की मात्रा के अनुसार इसके तीन भागों में बांटा गया, आपका हाई स्पीड स्टील जो है इसे तीन भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला भाग यदि हम लोग बात करें, इसमें टंगस्टन जो है 22% पाया जाता है आपका, क्रोमियम जो है 4% पाया जाता है, और वेनेडियम जो आपका 1% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा टाइप जो है, इसमें 18% टंगस्टन रहता है आपका, क्रोमियम 4% रहता है, और वेनेडियम जो है आपका 1% रहता है, ठीक है। और तीसरा और लास्ट जो हाई स्पीड स्टील का आपका प्रकार है, उसमें 14% टंगस्टन है आपका, 4% क्रोमियम है, और वेनेडियम जो है 1% इसमें अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो इस आधार पे इसको तीन भागों में बांटा गया है। इसको और क्या बोला जाता था आपका, उच्च टंगस्टन भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें टंगस्टन की मात्रा जो आपके ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए इसका यूज़ देखते हैं, कहाँ कहाँ इसमें क्या क्या हो रहे हैं। इसको काटने के उपकरण में के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। इसको काटने वाले जो उपकरण होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रड वगैरह जो काटा जाता है लोहे का, उसके लिए इसको हाई स्पीड स्टील का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कठोर होता है इसके कारण से, और कम तापमान पे नरम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार काटने की प्रक्रिया के समय तापमान बढ़ जाता है, और फिर काटने के उपकरण व्यर्थ हो सकते हैं, पर टंगस्टन के उच्च प्रतिशत के कारण या उच्च तापमान पर भी कार्य करता रहता है, और काटने के उपकरण जैसे ड्रिलिंग हो गया आपका, कटिंग हो गया, रिमजो हो गया, हेक्सा ब्लेड आदि सब, जिसमें जो हेक्सा ब्लेड वगैरह जो रहता है उसके इसका यूज़ किया जाता है आपका हाई स्पीड स्टील का, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक निकेल स्टील आपका है। निकेल स्टील जैसा कि नाम से पता है, देखिए इसमें आपका 0.3% कार्बन होता है, और 0.25 से लेकर 0.35 तक निकेल पाया जाता है, ठीक है। निकेल के कारण इसकी तन्यता शक्ति जो तनाव शक्ति होता है, और लॉन्च सीमा जो होता है वो कठोरता बढ़ती है, ठीक है। इसे जंग नहीं लगता है, इसके लिए इसमें निकेल जो 0.35 होने के कारण सादे कार्बन एवं स्टील के मुकाबले 6 गुना अधिक कठोर की प्रतिरोधकता होती है, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है रिवेट पाइप हो गया, एक्सल हो गया, साफ्टिंग हो गया, बस हो गया, हवाई जहाज़ों आदि में किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका 30 से 35% निकेल में 5% कोबाल मिला दिया जाए तो यह इनवर स्टील बन जाता है, ठीक है। कीमती उपकरण बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो इनवर स्टील यदि पूछा जाए कैसे बनाया जाता है, तो क्या बोलिएगा, निकेल के साथ साथ इसमें यदि 5% आपका कोबाल्ट मिला दिया जाए निकेल स्टील में आपका, तो वो क्या होता है आपका इनवर स्टील में बदल जाता है, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, कीमती उपकरण बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आपका निकेल स्टील क्या होता है। निकेल स्टील में आपका क्या होता है, कार्बन 0.3% और 0.25 से लेकर 0.35% आपका निकेल जो है वो पाया जाता है, ठीक है। निकेल के कारण इसकी तन्यता शक्ति ज़्यादा होती मिलाने के कारण से, ठीक है। और इसका जो यूज़ है वो सब मैंने बता दिया, रिवेट हो गया, पाइप हो गया, एक्सल शाफ्टिंग हो गया, बस हो गया, हवाई जहाज, ये सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वेनेडियम स्टील है, वेनेडियम स्टील क्या होता है, इसमें देखिए आपको 1.5% कार्बन और आपका 12.5% टंगस्टन और 4.5% क्रोमियम, 5% वेनेडियम और 5% कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इसका, ये जो होता है आपका इन सारे मेटल्स का क्या होता है, धातुओं का मिश्रण होता है, ठीक है। इसकी लॉन्च सीमा जो होती है आपका तन्य ताकत जो होती है लचीलापन अधिक होता है, ठीक है। यह उत्पादन उपकरणों में निर्माण के लिए अधिक उपयोग होता है, ठीक है। इसका ज़्यादा उत्पादन उपकरणों के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका वो क्या आपका मैग्नीज स्टील, मैग्नीज स्टील जानेंगे क्या होता है। मैग्नीज स्टील देखिए नाम से पता है इसमें, या विशिष्ट मिश्रित स्टील भी कहा जाता है, इसको विशिष्ट मिश्रित स्टील भी कहते हैं। इसमें 1.6% से लेकर 1.9% मैग्नीज होता है,
और आपका 0.4% से लेकर 0.5% कार्बन होता है, ठीक है। यह कठोर होता है और अधिक नहीं टिकता है, ठीक है। ज़्यादा दिन तक इसको यूज़ नहीं किया जा सकता आपको मैग्नीज स्टील को, ठीक है। यह बहुत ही कठोर होता है, यह चुंबक के प्रवाहित नहीं होता है। यह आपका जो रहता है ग्राइंडर और रेन पेंट्रो में उपयुक्त होता है, ग्राइंडर वगैरह जो मशीन होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है आपका मैग्नीज स्टील वगैरह का, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की यदि बात करें तो देखिए लोहे के साथ इसमें 0.2% से 90% कार्बन और 12 से 18% क्रोमियम, 8% निकेल और 2% क्या होता है आपका मोलेब्डीनियम होता है, ठीक है। यह चाकू हो गया, आपका कैची हो गया, बर्तन, हवाई जहाज आदि के वायर हो गया, पाइप हो गया, गियर हो गया आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। चाकू वगैरह जो देखते हैं आप लोग, कैची, बर्तन इत्यादि, ये सारे स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन जो परसेंटेज इसका जो मिश्रण है किस किस चीज़ का और कितना परसेंटेज अवेलेबल रहता है उसको आपको याद रखना है और उसका यूज़। और नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका सिलिकन स्टील, ठीक है। सिलिकन स्टील के बारे में जानते हैं, इसमें 14% आपका जो है सिलिकन होता है। सिलिकन के दर के आधार पर इसमें प्रयोग बहु लोह है। निर्माण कार्यों में 0.5% 1% सिलिकन, 0.7% से 0.95% मैग्नीशियम के मिश्रण उपयोग होते हैं। विद्युतीय मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन के उत्पादन में 2.5 से लेकर 4% सिलिकन जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका यदि यूज करें तो मिश्रित किया जाता है, इसमें 14% सिलिकन मिश्रित किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे मैंने बता दिया। तो इसमें से मेन आपको क्या याद रखना है, तो कार्बन इसमें जो मिश्रित धातु में आपका जो जो मिश्रण है आपका जिस जिस एलॉय से मिलकर वो जो बना हुआ एलॉय जो बना है धातु से उसका परसेंटेज आपको याद रखना है और उसका यूज़ याद रखना है, ठीक है। तो मेन आपका लो कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, और आपका जो है हाई कार्बन, लो कार्बन, मीडियम कार्बन स्टील, ये मेन था आपका तीन। और उसके बाद आपका मिश्रित में था आपका लो एलॉय आपका स्टील था, हाई एलॉय स्टील था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्टेनलेस स्टील क्या होता है, आपका टंगस्टन स्टील जिसको हाई स्पीड स्टील भी बोला जाता है, आपका निकेल स्टील पढ़ा, वेनेडियम स्टील, ये सारी चीज़ हम लोगों ने आज के इस क्लास में कवर किया, ठीक है। यदि